जिले के मालपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर मालपुरा जिला और कोर कमेटी के तत्वाधान में आज गांधी पार्क में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए तथा गांधी पार्क से व्यास सर्किल तक जुलूस निकालकर उपखंड अधिकारी महिपाल सिंह को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंप कर मालपुरा को जिला बनाने की मांग की। मालपुरा जिला बनाओ कोर कमेटी के तत्वाधान में मालपुरा जिला बनाने की मांग को लेकर आयोजित महारैली में सुबह से ही लोगों का मालपुरा में आने का सिलसिला शुरू हुआ। बरादरी बालाजी मंदिर में कोर कमेटी की ओर से पूजा अर्चना की गई। सुबह 11 बजे गांधी पार्क पर एकत्रित होकर सभी महारैली से वहां से रवाना हुए। हजारों की संख्या में मौजूद रहवासी मालपुरा को जिला बनाने की मांग के नारे लगाते हुए धरना स्थल पहुंचे। धरना स्थल पर उपखंड अधिकारी महिपाल सिंह को मालपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार बैरवा, डीएसपी सुशील मान, मालपुरा थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ सहित मोर लांबा हरि सिंह पचेवर डिग्गी थाना क्षेत्र के थाना अधिकारी मय दलबल के साथ मौजूद रहे। ये 100% तय है मालपुरा जिला बनेगा। अभी सब कुछ कागजों में है खाली, लेकिन मालपुरा जिला बनेगा। अगर इसी तरह संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन मालपुरा जिला बनेगा। और मेरी पुरजोर मांग है मालपुरा जिला बने। मालपुरा जिला बनना चाहिए। मालपुरा सारी औपचारिकताएं पूरी करता है। यहाँ पे अंग्रेजों के ज़माने में कचहरी थी, रेलवे की लाइन थी, रेलवे स्टेशन था। इसके अलावा सबसे पुराना एसडीएम ऑफिस है, तहसील है, अपने जिला अस्पताल है, जेल है, सब कुछ सुविधा यहाँ पे है। जो मापदंड जिले के लिए चाहिए वो जिले भौगोलिक स्थिति से, राजनीतिक स्थिति से, प्रशासनिक स्थिति से सारी यहाँ पे उपलब्ध है और सारे मापदंड पे खड़ा उतरता है। मैं यही अपेक्षा करता हूँ जिस प्रकार से ये कमेटी, ये पूरी जो मालपुरा जिला बनाओ संघर्ष समिति जितने दिनों से संघर्ष करी, मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सब लोगों ने, आप लोगों ने। खैर मैं तो आ गया हूँ, मैं मेरा झूठा श्रेय भी लेना नहीं चाहता। अब मैं जॉब से छूट गया तो मैं आपके साथ हूँ, मैं जहाँ आप चलोगे मैं आपके लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी भी मनसा ये है कि जिला बने ताकि यहाँ की जनता को यहाँ पे सारी सुविधाएँ, सारा लाभ मिले। अपन क्यों टूट जाएंगे, क्यों टूट जाएंगे, क्यों कैकड़ी जाएंगे, जब ये मालपुरा पूरे मापदंड पर खड़ा उतरता है तो जिला बनना चाहिए। और जिस प्रकार से आप सब लोग मिलकर के माताएँ, बहनें, बुद्धिजीवी वर्ग, यहाँ के समाज के सारी सामाजिक संस्थाएँ, सारे जनप्रतिनिधि मिलकर के संघर्ष कर रहे हो आप लंबे समय से, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप में हमें शक्ति दे और इसको उस मुकाम तक पहुँचाएं जिसको लेकर के अब लड़ाई शुरू की थी। और ये जिला बनेगा, जरूर बनेगा। विधानसभा सत्र आ रहा है, आप हम सब मिलकर के संघर्ष करते रहें तो एक न एक दिन ये सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। जनता एकजुट है और मालपुरा, सारे मालपुरा में जोश है, जुनून है और मालपुरा डिजर्व भी करता था कि मैं जिला बने। और हमारे मालपुरा की 36 कौम, सभी राजनीतिक पार्टियाँ और सभी जातियाँ एक होकर उनका एक ही निर्णय है कि मालपुरा के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर हमें कैसे करके विजय पाना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपके और जनता के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मालपुरा